हेलो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी 2021 के लिए हम लेकर आ चुके हैं जनरल साइंस के बायोलॉजी के सेक्शंस को। और अभी हम देखने वाले हैं कि बायोलॉजी में वो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन थे जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अपना पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल ये है कि जब एक बच्चा बन रहा होता है, मतलब जब एम्बायरो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ये डेवलपमेंट जो एम्बायरो का हो रहा होता है, तो इसे आखिर भोजन पानी खाना ये सब कहाँ से मिलता है, ब्लड कहाँ से मिलता है? तो ये जो भी चीज़ें मिलती है, ये सब के सब प्लेसेंटा से मिलती है, गर्भनाल से मिलती है। ध्यान रखना है कि माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में कौन मदद करता है, तो प्लेसेंटा या गर्भनाल जो है वो मदद करता है। अगला प्रश्न है कि पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है, मतलब इनमें से कौन सा यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ प्लांट है? तो IAA है। ध्यान रखना है कि पौधों का नेचुरल ऑक्सीजन कौन होता है, तो IAA होता है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाली समुद्री जीव है, तो कौन फ्री लिविंग मरीन एनिमल होता है? तो ध्यान रखना है कि एनीकोडर्मेटा जो है वो फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं, जिसको आप एनीकोडर्मेटा कहते हो। अगला सवाल है कि किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सबसे अधिक वेरिएशन ऑफ जनरेशन क्रिएट करता है, मतलब जनरेशन में सबसे अधिक वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ध्यान रखना है कि स्नेल, जिसे आप घोंगा या घेंगा बोलते हो, बेसिकली एक ऐसा जानवर होता है जो अपना सेक्स बदल सकता है, अपने लिंग को बदल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन एक मल्टी सेलुलर जीव है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? तो ध्यान रखना है कि एगरिकस जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पार्थेनोक्रापी को किस रूप में परिभाषित करते हैं, बहुत बार पूछा है पार्थेनोकॉपी। तो ध्यान रखना है कि पार्थेनोक्रापी क्या है, तो निषेचन के बिना फलों के विकास, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन का जब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है तो उसे आप क्या बोलते हो, पार्थेनोक्रापी बोलते हो। अगला प्रश्न कह रहा है डैश पौधे का नर प्रजनन केंद्र है, तो ध्यान रखना है कि स्टैमेन पुंकेसर जो होता है वो पौधे का नर प्रजनन केंद्र होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीन एक ऐसा हार्मोन है जो जानवरों में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना है कि यही ऑक्सीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, जबकि यही ऑक्सीन एनिमल्स में नहीं पाए जाते। और कई बार ऐसा पूछ दिया जाता है कि कौन किस में नहीं पाया जाता और कौन किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखना है कि एनिमल और प्लांट में बेसिक अंतर क्या है कि इसमें ऑक्सीन नहीं पाया जाता है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है कि ब्रिशन टेस्टिस जो है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, कहाँ पर होते हैं? तो ध्यान रखना है स्कॉटम या अंडकोष की थैली में उपस्थित होते हैं टेस्टिस या ब्रिटन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किन स्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है, मतलब कहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डेड सेल के तौर पे रहते हैं? तो ध्यान रखना है स्कैरल चाइमा में बेसिकली जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, मास्टर ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहा जाता है, नाभिक को मास्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। मित्रों आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी टीम, मतलब आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल जो है वो आ चुकी है अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए फ्री रेलवे के क्लासेस को लेकर। हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के बहुत सारे फ्री क्लासेस, आप आइए हमसे जुड़िए। और अभी हमारे साथ जो सर जुड़े हुए हैं, नरवाड़िया सर जो जुड़े हुए हैं, वो लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं। और अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं और इसके बाद अगर आप अनअकैडमी को किसी अन्य प्रकार के कोर्स को परचेज करते हैं, तो वहाँ पर आप हमारा कोड AS2021 अगर अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है कई प्रकार की रियायत, कई प्रकार की छूट। हम आपको बता देते हैं कि नरवाड़िया सर का क्लास कितने बजे चल रहा है और कब कौन सा क्लास होता है। तो बेसिकली आप देखोगे तो हमारा क्लासेस डेली अनअकैडमी पे लाइव आ रहा है। पहली जो क्लास होती है वो जनरल साइंस की होती है, जिसमें हम लोग लाइव मॉक टेस्ट लेते हैं 5 बजे, मतलब डेली जनरल साइंस का मॉक टेस्ट चल रहा है। कितने बजे, तो 5 बजे चल रहा है। इसी प्रकार से हमारा मैथ्स का भी लाइव मॉक टेस्ट होता है 7 बजे। इसी प्रकार आप आगे देखोगे तो हमारा तीसरा क्लास जो आता है वो रीजनिंग का आता है रात के 9 बजे।
और तिचौथी जो क्लास आती है हमारी वो स्टैटिक जीके की होती है रात के 10 बजे। अगर ये कहा जाए कि नरवरिया सर आप लोगों के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम के साथ साथ टेस्ट भी देना चाहिए तो या आपको कुछ और भी जानकारी लेनी चाहिए अनअकैडमी से तो वहाँ पर आप हमारा कोड AS2021 अप्लाई करें, आपको मिलेगा उस कोर्स को खरीदने में 10% तक का छूट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा कि अनिल नरवरिया सर डेली आपके लिए लेकर आ रहे हैं पूरा का पूरा ग्रुप डी का पैकेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थाई उत्तक नहीं है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो याद रखना है कि जाइलम जो है वो परमानेंट टिश्यू नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन नहीं है, तो जाइलम नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायित होता है। तो ध्यान रखना है सेरेब्लम। तो सेरेब्लम जो होता है बेसिकली इसी के माध्यम से क्या होता है, आप सोच सकते हो और अपने शरीर को बैलेंस करके बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैसी अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है पर उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उसको आप क्या बोलते हो, होमोलोगस ऑर्गन बोलते हो। अब सीधी सी बात है कि बनावट एक जैसी है लेकिन काम उनका अलग अलग है तो वो होमोलोगस ही कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है निषेचन एक प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया है, जिसके बाद किसका निर्माण होता है, तो जायगोट का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निषेचन की प्रक्रिया के बाद जायगोट का निर्माण होता है। अगला है कि इनमें से कौन उभय लिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन उभय लिंग फूल है। तो याद रखना है कि सरसों जो है, मस्टर्ड जो है, वो एक उभय लिंग फूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। तो ध्यान रखना है केमिकल एनर्जी लगती है। जब आप पाचन कर रहे होते हो, खाने को पचा रहे होते हो, तो उस समय क्या होता है, आपके पेट में HCl होता है जो उस खाने को पचाने में मदद करता है। और ये जो पूरी की पूरी डाइजेशन प्रक्रिया होती है वो कैसी प्रक्रिया होती है, तो केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पराग कण किसमें पाए जाते हैं। तो याद रखना है एंथर्स पराग कोष में ही पराग कण पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ पर होता है। तो ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में होता है। ध्यान रखना है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है, जहाँ पे एम्बायरो डेवलप होता है। तो गर्भाशय यूटेरस है जहाँ पर एम्बायरो डेवलप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आरबीसी जो होता है यही शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन है। कई बार पूछा है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया है, तो याद रखना हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो प्रकृति में खुद को एडजस्ट कर पाता है, जो प्रकृति में खुद को फिट कर पाता है वही प्रकृति में रह पाता है, नहीं तो उसे कोई टिकने नहीं देता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट ट्राइपोब्लास्टिक। इनमें से कौन सा जानवर जो है वो ट्रिपोब्लास्टिक नहीं है। तो ध्यान रखना है जेली फिश जो है वो ट्राइपोब्लास्टिक नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों अभी का सेशन तो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी टीम ने लाया है आप सभी लोगों के लिए रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा पैकेज जो काफ़ी ही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आपको करना बस ये है कि आप हमारे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, वहाँ आपको मिलता है हमारे इस किताब को PDF को डाउनलोड करने का मौका। आप वहाँ से डाउनलोड करें और पूरा पूरा लाभ उठाएँ और इसी बार अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को क्रैक करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।